हेलो फ्रेंड्स, UPTET 2019 के बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छी खबर और आई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि पुराने एडमिट कार्ड से भी दे सकते हैं एग्ज़ाम। तो जो लोग अभी तक डाउट में हैं या फिर किसी प्रॉब्लम की वजह से, जैसे कि उन्हें मार्केट जाना पड़ेगा प्रिंट के लिए, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि वो प्रिंट नहीं ले पा रहे हैं एडमिट कार्ड का, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है। UPTET की तरफ से ऑफिशियल न्यूज आई है कि पुराने एडमिट कार्ड से भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मैं आपको एक ऑफिशियल लेटर दिखाता हूँ जिसमें कि साफ साफ लिखा हुआ है, लेकिन उसके लिए क्या करना है वो आप देखिए। यह है वो लेटर जो कि UPTET की ऑफिशियल वेबसाइट updl.gov.in पर मिल जाएगा आपको। तो उसमें यह विज्ञप्ति आई है, उसमें लिखा हुआ है आज के बारे में, जो कि इन्होंने पहले एग्ज़ाम की डेट क्लियर की है कि UPTET 2019 उसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो चेंज हो चुकी है, और वो एग्ज़ाम डेट जो कंफर्म हुई है वो है 8 जनवरी 2020 दिन बुधवार, और ये सुबह 10 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक पहला क्लास 1 to 5 वाला एग्ज़ाम है, और सेकंड पेपर क्लास 6 to 8 वाला जो कि दोपहर में 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक होगा। अब उसके बाद आते हैं जो दूसरी न्यूज है, इसमें साफ साफ जो ये पैरा नंबर 2 देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी पूर्व निर्गत ऑनलाइन प्रवेश पत्र से, पूर्व निर्गत मीन्स जो पहले डाउनलोड कर चुके हैं या पहले निकाल चुके हैं, तो जो स्टूडेंट पहले ऑनलाइन एडमिट कार्ड जो कि 8 जनवरी 2020 को जो UPTET परीक्षा होने वाली है उसमें वो शामिल हो सकते हैं। और कौन सा वाला एडमिट कार्ड है वो जो कि आपका 22 दिसंबर 2019 को जो एग्ज़ाम होना था उससे पहले आपने वो डाउनलोड किया था प्रवेश पत्र, तो उस प्रवेश पत्र से भी आप उसमें नई वाली प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि उसमें आप शामिल हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपका एग्ज़ाम सेंटर वही रहेगा, एग्ज़ाम का टाइमिंग वही है जो कि आप ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है। आपके पास अगर वो एडमिट कार्ड है तो एडमिट कार्ड से आप जा सकते हैं एग्ज़ाम देने के लिए पुराने वाले। साफ साफ इन्होंने मेंशन कर दिया है बोल्ड में, पैरा नंबर 2 आप फिर से पढ़ लीजिए, कि अभ्यर्थी जो पहले ऑनलाइन एडमिट कार्ड जो उन्होंने 8 जनवरी 2020 को UPTET होने वाली है जो पहले निकाला हुआ है ऑनलाइन एडमिट कार्ड उससे शामिल हो सकते हैं। अतः ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा जो पहले एग्ज़ाम होना था 22 दिसंबर 2019 को, तो ऑनलाइन एडमिट कार्ड जो पहले डाउनलोड किया जा चुका है, साफ साफ लिखा है, तो उन्हें नया प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि आप अगर परेशान नहीं होना चाहते हैं तो आप नहीं भी जा सकते हैं, पुराने वाले से भी आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर आपके पास सुविधा है जाने की तो आप नया भी डाउनलोड करके प्रिंट ले सकते हैं। तो ये जो जानकारी थी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग अगर ना भी जा पाएँ तो भी कोई ज़रूरत नहीं है, पहले वाला एडमिट कार्ड बस आपके पास होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।